दूर दूर तक फैले असम के इन चाय बागानों से हम सभी परिचित हैं। इन्हीं चाय बागानों में आजकल कुछ और खिल और पल रहा है जिससे हम बिल्कुल अनजान हैं, जिसकी आवाज हमने शायद ही सुनी है। ये है आनंदालय। विवेकानंद केंद्र का चाय बागानों में चल रहा एक अनूठा उपक्रम। ये उपक्रम उन बच्चों के लिए चलाया जाता है जिनके माँ बाप चाय बागानों में मजदूरी करते हैं। असम की आबादी का एक चौथाई हिस्सा बन चुकी इन मजदूरों की तादाद टी ट्राइब कहलाती है। चाय बागानों से जुड़ी कॉलोनियों में ये बसते हैं। चाय कंपनियां इन्हें घर, महीने भर का राशन, इसके साथ कुछ बुनियादी सुविधाएं भी देती है। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही ये व्यवस्था अब कई पीढ़ियों के लिए परंपरा बन चुकी है, जिसके चलते ये चाय बागान ही इनकी दुनिया हो जाती है। बगान में हम लोग जब बेसिकली देखते हैं एक आत्मविश्वास की कमी, क्योंकि वर्षों तक के ब्रिटिशों ने जो लोगों को लेकर के आए तो काम करने के दृष्टि से, लेबर की दृष्टि से ही लेकर के आए। परमिट माइकी 5 नंबर, टेम्परली माइकी 7 नंबर, केस चालान छोटो 6 नंबर। इसी सूचना के साथ इनके दिन की शुरुआत होती है। लगभग हर माँ बाप का दिन चाय बागानों में काम करते करते गुजर जाता है। इनके बच्चे पाठशाला तो जाते हैं, लेकिन पाठशाला से घर आने के बाद वे अपने ही हाल पे रहते हैं। गांव की परिस्थिति ऐसी होती है कि बच्चे तो स्कूल जाते हैं, घर से तो निकल के जाते हैं, क्योंकि कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि बीच में स्कूल नहीं पहुंचने से पहले कहीं पे जाएंगे, कुछ खेलेंगे, कुछ करेंगे, उसके बाद घर फिर भी वापस आ जाते हैं। किंतु घर में उनको देखभाल करने के लिए कोई ऐसा होते नहीं। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि स्कूल में जो जाते हैं, स्कूल में कुछ सिखाया जाता है, टीचर होमवर्क करने के लिए देते हैं, तो वो घर आने के बाद उनको घर में कोई सिखाने वाले होते नहीं हैं, तो वो उसको सिखाए कैसे। तो दूसरे दिन जो स्कूल जाते हैं तो टीचर पूछते हैं तो उनको, तो आज नहीं किया, दूसरे दिन भी ऐसे किया, 3-4 दिन ऐसे होने के बाद तो पिटाई तो करते हैं टीचर, तो पिटाई करने के बाद वो अपने आप स्कूल छोड़ देते हैं। शिक्षा से छूटता और टूटता नाता इन बच्चों के सामने एकमात्र विकल्प रखता है, और वो विकल्प होता है चाय बागानों में मजदूरी का। ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही एक सपोर्टिव काम होना होगा, कैसे इनके अंदर पढ़ाई के प्रति एक लगाव हो, इस दृष्टि से ये आनंदालय प्रकल्प की शुरुआत हुई। आनंदालय इन बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि निर्माण करने का प्रयास करता है। इसी हेतु आनंदालय का स्वरूप सुनिश्चित किया गया है। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को आनंदालय में शामिल किया जाता है। रोज 2 घंटे चलने वाले आनंदालय में पढ़ाई और सामूहिक संस्कारों पर जोर दिया जाता है, साथ में खेल, सूर्य नमस्कार, कहानियां और गीत। इनके माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास साधने का प्रयत्न होता है। केंद्र ने आनंदालय का जिम्मा यहीं के युवाओं को सौंपा है। घर घर में जाकर बच्चों को दाखिल कराना, आनंदालय चलाना
और साल भर में कुछ कार्यक्रम आयोजित करना, ये सारा काम युवा आचार्य करते हैं। तो जो बच्चे हमारे आनंदालय में पढ़ने के लिए आते थे, अब वो पढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। मुश्किल से हमको 9-10 पास बच्चे मिलते थे, अभी तो हमारे जो आचार्य रहे, जो पढ़ा रहे थे, वे अभी ग्रेजुएट हो गए हैं। कई सारी बहनें नर्सिंग पास कर चुकी है, कई सारे भाई अलग अलग बिजनेस फील्ड में गए हैं। तो जो पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट हमको दिखाई देता है। असम के डिब्रूगढ़, तिनसुखिया, जोरहाट, शोनितपुर और शिवसागर, इन 5 जिलों में करीब 130 आनंदालय केंद्र चलाता है। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश में 32 आनंदालय चलाए जाते हैं और ओडिशा में भी आनंदालय का प्रारंभ हो चुका है। इन आनंदालय में कुल 5000 छात्र सहभागी होते हैं और लगभग 130 युवा आचार्य इनके लिए अपनी सेवा प्रदान करते हैं। लोगों की या अभिभावकों की प्रतिक्रियाएं इन आनंदालय की उपयोगिता और प्रभाव सिद्ध करती हैं। जो सुबह उठ के योगा सुबह करता है, वो गीत संगीत गाता है, देशभक्ति गीत, वो अच्छा लगता है। हम लोग का माँ बाप को यही सपना है जो बच्चा आगे बढ़े। परिवर्तन आया है हम लोग को पढ़ाई में, जो ये करता है वो सब ठीक है। अभी हम लोग को जो ट्यूशन देने वाला ट्यूशन देता है, वो नहीं देने से भी मतलब चलेगा। उठो আগতে কথা চথা নুশুনিছিলে, এতিয়া ভালকৈ কথা চথা শুনে। আনন্দ যা বুলি ক'লে আগতে নগৈছিলে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ গৈছে। য'ত ত'ত নেযায়, কথা ক'লে শুনে। আৰু মাত চাত এতিয়া, আগতে পইচা তইচা বিচাৰি থাকে, যিচ কিছবোৰ কৈ থাকে, সেইটো লাগে এইটো লাগে। এতিয়া আনন্দলৈ গৈ কিনি এতিয়া য'ত ত'ত নেযায়, ভালকৈ যিমান টাইমত যাব লাগে সিমান টাইমত আনন্দলৈয়ে যায়। विवेकानंद केंद्र असम और अरुणाचल प्रदेश में पहले से ही शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। विभिन्न स्थानों पर चल रही बालवाड़ियां और विवेकानंद केंद्र विद्यालय इसके ठोस उदाहरण हैं। केंद्र मानता है कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा करती है। आनंदालय उसी दिशा में की गई एक नई पहल है, जो शिक्षा और संस्कार के द्वारा चाय बागानों के बच्चों में आत्मविश्वास और आकांक्षाएं पैदा कर रही है। चाय बागानों में बसे युवा और महिला वर्ग के लिए भजन संध्या का आयोजन होता है। इन भजन संध्याओं में स्वच्छता और स्वास्थ्य चिकित्सा जैसे कार्यक्रमों पर विचार और अमल किया जाता है। शिक्षा के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन लाने में भी आनंदालय कारगर साबित हो रहे हैं। चाय बागान असम की पहचान तो थे ही, अब आनंदालय चाय बागानों की पहचान बन गए हैं और उम्मीद से भरे संगठित समाज की नींव रख रहे हैं।